My dear students, welcome back to my channel. In today's video, we'll be discussing about a concept of capital expenditure and revenue expenditure. Now, this topic of capital expenditure and revenue expenditure is useful for all students who are preparing for their professional examination, like CA, CS, CMA. ये जो topic है, ये आपको उन examination में definitely आएगा. So, in today's topic, हम क्या करेंगे? We will complete the entire chapter of capital expenditure and revenue expenditure, wherein we will also be taking certain examples. Like हमने है ना, we have jotted down some 23 examples for here. And trust me, my dear students, अगर आपने ये video full देखा, from start till the end, आपको ये topic में उसके बाद कोई भी problem नहीं आएगा. If you watch this video till the end and अगर आपको लग रहा है कि this video is definitely very useful for us, तो इसको like जरूर कीजिएगा. Like करना and अपने दोस्तों के साथ इसको share करना, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, आपके friends तक पहुँचे and उनको भी ये useful हो जाए. ये जो हमारा professional series है, this is the first lecture of our professional series and इसके बाद we will be continuing with more topics. अगर आपको कोई topic में difficulty होता है, for CA, CS and CA students, CACS, CMA students, अगर आपको कोई भी टॉपिक में डिफिकल्टी होता है तो डेफिनेटली राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल मेक अ वीडियो ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक. ओके, थैंक यू सो मच गाइज. एंड अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी करना है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करके जरूर. नाउ बिफोर वी स्टार्ट, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म एक्सपेंडिचर. अभी एक्सपेंडिचर होता क्या है? एक्सपेंडिचर बोलो या एक्सपेंसेस बोलो, ये है क्या? सिंपल भाषा में खर्चा. नाउ जो भी बिजनेस में खर्चा होता है ना, दीज खर्चाज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स. दीज खर्चाज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अभी आप बोलोगे सर ये सब क्या है, रेवेन्यू क्या है, कैपिटल क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू क्या है, ये हम धीरे धीरे सीखेंगे. Like, आज का मेन हमारा इंटेंशन यही है कि हमको ये क्लियरली समझ में आ जाए कि अगर हमको कोई खर्चा वो लोग बताते हैं तो ये कौन सा खर्चा है, वेदर वी कॉल इट एज कैपिटल एक्सपेंडिचर या हम उसको रेवेन्यू बोलेंगे कि या हम उसको डेफर्ड रेवेन्यू बोलेंगे. तो अभी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है जरा जानते हैं इन डिटेल, ठीक है? तो बिफोर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाने से पहले देखो, हम लोग 11th and 12th standard में हमने सीखा था, बहुत सारे खर्चे सीखे थे. वी हैड लर्न द टॉपिक नोन एज फाइनल अकाउंट्स, जहां पर हमारा अलग अलग खर्चा होता था. खर्चा होता था प्लांट एंड मशीनरी में, हमने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, हमने कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, हमने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदा, फिर उसके बाद हमने और भी बहुत सारे खर्चे किए थे. लाइक हमारे ऑफिस में काम करने वाले को हमने सैलरी दिया था, हमने वेजेस पे किया था, हमने फैक्ट्री का रेंट दिया था, हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में खर्चा किया था, ये सब खर्चा था. लेकिन इसमें से कुछ खर्चों को हमने लिखा था असेट्स में. लाइक अगर प्लांट एंड मशीनरी का हम बात करें तो ये असेट में जाएगा, ये असेट में जाएगा एंड ये इन्वेस्टमेंट भी असेट में जाएगा. लेकिन ये जो बाकी खर्चे थे ये हम लिखते थे नॉमिनल अकाउंट में. लाइक सैलरी हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, वेजेस हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, फैक्ट्री रेंट हम लिखते थे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हम लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में. अभी ये जो वो लोग क्लासिफिकेशन करते थे, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, दैट इज कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो सर इसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर हम किसको बोलेंगे? ये जो आपका असेट में आपने जो लिखा ना, इन सबको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर. एंड ये जो आपने आपके नॉमिनल अकाउंट में लिखे हैं, ये सारे के सारे खर्चे को हम कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या इनमें से कुछ होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज वेल. ठीक है, अभी वो कैसे होगा, क्या होगा, वो हम अब डिटेल में सीखेंगे. नाउ व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेट अस अंडरस्टैंड. तो आपके स्क्रीन पे आपको कुछ पॉइंट्स दिखते होंगे. तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बोलूंगा कि आप आपके साथ एक नोटबुक जरूर रखना एंड इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप जॉट डाउन करके रख देना. ठीक है, तो शुरू करते हैं. व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? देखो यहाँ पर देयर इज सर्टन लिस्ट, ठीक है, यहाँ पर कुछ लिस्ट दिया हुआ है, देयर आर सर्टन पॉइंट्स. ये सारे खर्चों को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे. The first point, that is acquisition of tangible and intangible fixed asset. Acquisition मतलब purchase, tangible fixed asset मतलब वो fixed asset which can be seen, touched and felt. Like for example, mobile phone. Mobile phone is a tangible fixed asset. Intangible fixed asset में आपने 12th में पढ़ा होगा goodwill, patent,
ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, दीज आर ऑल माय इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। मतलब अगर आप कोई टेंजिबल फिक्स्ड एसेट खरीदते हो या अगर आप कोई इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट खरीदते हो, तो ये फिक्स्ड एसेट खरीदने पे आप जो भी खर्चा करते हो उसे हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट। तो एक्विजिशन ऑफ टेंजिबल इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकेंड, ये देखो सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, एक्सपेंडिचर विच इंक्रीजेज द एफिशिएंसी और कैपेसिटी ऑफ द असेट, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच इंक्रीजेज द एफिशिएंसी और कैपेसिटी ऑफ द असेट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरा एक मल्टीप्लेक्स, मेरा एक थिएटर है जहां पर मैं पिक्चर रिलीज करता हूँ, ठीक है, मतलब पिक्चर आते हैं उसको मैं दिखाता हूँ। तो वो थिएटर में पहले द सीटिंग कैपेसिटी वॉज ओनली 30, सिर्फ 30 सीट थे वहां पर, 30 लोग ही खाली बैठते थे। लेकिन अभी मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा खर्चा कर दिया एंड मैंने ये जो सीटिंग कैपेसिटी है इसको मैंने और एडिशनल 40 सीट्स लगा दिया। तो 40 सीट्स लगाने के बाद माय टोटल सीटिंग कैपेसिटी ऑफ माय थिएटर इज नाउ 70। तो अभी देखो, जब मैंने अपना 70 का कैपेसिटी कर दिया तो मेरा जो अर्निंग्स है वो इंक्रीज हो गया, जो मेरा अर्निंग इंक्रीज हो गया, मेरा एफिशिएंसी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो सच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब ये 40 सीट बिठाने का जो भी मेरा खर्चा होगा, That expenditure will be known as capital expenditure. तो दो पॉइंट हमने सीखा। पहला पॉइंट, if we are purchasing any tangible, intangible asset, then expenditure will be called as capital expenditure. Second, अगर कोई भी खर्चा हम ऐसे करते हैं which increases the efficiency or capacity of an asset. Efficiency का मीनिंग क्या, चलो वो भी समझते हैं। सपोज मेरे पास एक मशीन था, मेरा कपड़ा बनाने का बिजनेस है, एग्जाम्पल मेरे पास एक मशीन था, वो मशीन में डेली हम 20 शर्ट्स बनाते थे, डेली कितना शर्ट्स बनाते थे, 20 शर्ट्स हम बनाते थे। फिर मैंने वो मशीन के अंदर कुछ चेंजेस किए, कुछ नया पार्ट्स हमने डाला, जिसके वजह से अभी ये मशीन का जो एफिशिएंसी है वो बढ़ गया, मतलब अभी हम लोग दिन का 50 शर्ट्स बनाने लगे हैं। तो देखो ना, ये मशीन में चेंजेस आ गया। तो ऐसा चेंज विच इंक्रीजेज द एफिशिएंसी और कैपेसिटी ऑफ द असेट विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वी हैव एक्चुअली कंप्लीटेड जस्ट टू पॉइंट्स। पहला, हमने कोई असेट खरीदा, दूसरा ऐसा कोई चीज जिससे मेरा एफिशिएंसी या मेरा कैपेसिटी इंक्रीज होता है। पॉइंट नंबर थ्री सच एक्सपेंडिचर दैट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ऐसा कोई भी खर्चा जो मैं करता हूँ जिसके वजह से मेरा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हुआ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ कि सपोज मेरे पास कार था, एक मेरे पास कार था पेट्रोल का, जो मैं बिजनेस में यूज करता था। अभी एक कार में मैंने क्या कर दिया, मैंने सिलेंडर फिट कर दिया, एलपीजी सिलेंडर। तो उसके वजह से क्या हो गया, मेरा जो एफिशिएंसी है इस कार का वो बढ़ गया एंड मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हुआ ना। अभी पेट्रोल तो बहुत महंगा होते जा रहा है, लेकिन अगर मैं सीएनजी किट लगा देता हूँ मेरे गाड़ी में, तो वो सीएनजी किट के वजह से मेरा जो ये पेट्रोल पे जो मैं खर्चा कर रहा था, जो फ्यूल पे मेरा खर्चा हो रहा था, दैट खर्चा इज रिड्यूस्ड। तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड, पॉइंट नंबर थ्री। तो अगर मैं ऐसा सीएनजी किट लगाता हूँ, ऐसा कोई भी चेंजेस करता हूँ मेरे एसेट में जिसके वजह से मेरा खर्चा कम हो रहा है, देन सच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर विल आल्सो बी नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो वी हैव कंप्लीटेड पॉइंट नंबर थ्री। नाउ लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर फोर। एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू ब्रिंग द असेट टू वर्किंग प्लेस। सपोज मैंने दिल्ली से, मैं रहता हूँ मुंबई में, मैंने दिल्ली से कोई एक मशीनरी परचेस किया है। अभी दिल्ली में ये मशीन है, तो ये मशीन दिल्ली से मुंबई आने के लिए मुझे कोई ना कोई तो खर्चा इसमें जरूर करना होगा। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर कर दिया, तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो मैं इनकर कर रहा हूँ, दिस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिकॉज अगर मैंने ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर नहीं किया तो ये असेट मेरे तक आएगा ही नहीं एंड मैं उसको यूज ही नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर ई, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द असेट इनटू वर्किंग कंडीशन। एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैंने अमेजोन से एयर कंडीशनिंग मंगाया, एक एसी मंगाया मैंने अपने घर के लिए, तो अमेजोन से अगर मैं एसी मंगाता हूँ तो लोग आके एसी का यूनिट खाली रख के जाते हैं। अभी वो एसी का यूनिट अपने आप चालू होगा क्या? नहीं सर, वो चालू करने के लिए हमको उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, मतलब आप उसको कहीं माउंट कराओगे, फिर उसका जो बड़ा मशीन है उसको बाहर लगाओगे, उसमें पाइप जोड़ोगे, मतलब ये इंस्टॉलेशन का खर्चा जब तक मैं ना करूं तब तक मैं वो एसी को यूज नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो भी खर्चा, जो इंस्टॉलेशन का खर्चा मैं करूंगा, इट विल ऑल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ दिस असेट एंड इट इज नोन एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब ये खर्चे को भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ही
कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने 11th में सीखा होगा कि मैंने कोई एसी खरीदा 50,000 का, प्लस उसमें इंस्टॉलेशन का खर्चा किया 3,000, तो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ माय एसी? द टोटल कॉस्ट ऑफ माय एसी इज 53,000 रुपीज। ये वही चीज है। ओके, तो क्या क्या हमने सीखा एक बार रिपीट करते, आपको लगता रहेगा कि ये बार बार रिपीट कर रहे हैं, बट उससे क्या होगा, अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा। पहला, अगर मैं कोई असेट परचेस करता हूँ, इट कैन बी एनी फिक्स्ड असेट, टेंजिबल इनटेंजिबल। सेकेंड, इफ इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी। थर्ड, इफ इट रिड्यूसेस द कॉस्ट। नेक्स्ट, ऑल एक्सपेंसेस दैट आर इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग दैट असेट। नेक्स्ट, ऑल एक्सपेंसेस दैट आर इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द असेट इनटू वर्किंग कंडीशन। नेक्स्ट, ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन एक्वायरिंग एन असेट, ठीक है, ऑफ विच इट इज इंसिडेंटल। मतलब एक असेट खरीदने से पहले आपको ये खर्चा तो जरूर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर मैं कोई घर खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, अगर मैं कोई घर खरीदने का प्लानिंग में हूँ, तो घर खरीदने के टाइम पे मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे ये घर अगर मैं सपोज परचेस करता हूँ तो मुझे स्टैम्प ड्यूटी भरना होता है, मुझे रजिस्ट्रेशन चार्जेस भरना होता है। जब तक मैं ये खर्चे ना करूँ तब तक वो घर मेरा नहीं होगा। मतलब ये जो एक्सपेंसेस है इट इज इंसिडेंटल, मतलब दीज आर द प्री रिक्विजिट, ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप उस लैंड एंड बिल्डिंग को अपना नहीं बना पाओगे। तो ये खर्चा जो हमको पहले करना पड़ता है ताकि हम वो असेट को बाद में यूज कर सके, इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड द लास्ट पॉइंट इज एक्सपेंडिचर दैट वी इनकर टू एक्वायर द राइट टू कैरी ऑन अ बिजनेस। मतलब सपोज मैं कोई बिजनेस रन कर रहा हूँ और मुझे उसके लिए लाइसेंस चाहिए, तो लाइसेंस का जो भी एक्सपेंसेस होगा दोज एक्सपेंडिचर विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर रेस्टोरेंट चला रहा हूँ तो मेरे पास फूड लाइसेंस होना इट इज मैंडेटरी, तो फूड लाइसेंस का जो भी खर्चा रहेगा दोज एक्सपेंसिस विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर में वी हैव गॉन थ्रू मेनी पॉइंट्स, तो एक बार फिर से इसको जरा रिवाइज करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला क्या था, एक्विजिशन ऑफ टेंजिबल इनटेंजिबल फिक्स्ड असेट। नेक्स्ट पॉइंट, एनी एक्सपेंसिस दैट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी और कैपेसिटी। नेक्स्ट पॉइंट, एनी एक्सपेंसिस दैट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑल एक्सपेंसिस दैट आर इनकर्ड टू ब्रिंग द असेट टू वर्किंग प्लेस। ऑल एक्सपेंसिस इनकर्ड टू ब्रिंग द असेट टू वर्किंग कंडीशन। फिर ऑल एक्सपेंसिस दैट आर इंसिडेंटल ऑफ एक्वायरिंग एन असेट। मतलब कोई भी असेट परचेस करोगे तो आपको ये खर्चा तो करना ही पड़ता है, तो वो खर्चा का जो एक्सपेंसेस रहेगा इट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस। अगर आप कोई भी बिजनेस रन कर रहे हो, ठीक है, उसके पहले कोई भी लाइसेंस का खर्चा हो गया, ये सारे खर्चे को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। आई होप यहाँ तक इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। मैं चाहता हूँ इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है, लाइव आप सुन रहे हो, तो इसको आप पॉज कर दो एंड ये सारे पॉइंट्स को आपके नोटबुक में लिख लेना। तो दिस All these expenditures are known as capital expenditure. ठीक है, वेरी क्लियर। तो वापिस एक बार रिवाइज कर लेते हैं, टेंजिबल असेट या इनटेंजिबल फिक्स्ड असेट, जो एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, जो कॉस्ट रिड्यूस करता है, ऑल दैट एक्सपेंसिस दैट आर इनकर्ड टू ब्रिंग द असेट टू वर्किंग प्लेस एंड वर्किंग कंडीशन, दोनों पॉइंट को मैंने साथ में कर दिया। नेक्स्ट, ऑल एक्सपेंसिस दैट आर इंसिडेंटल, ठीक है, फॉर एक्वायरिंग एन असेट, लाइक एग्जाम्पल मैं घर खरीद रहा हूँ तो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन ये तो मुझे करना ही पड़ता है। एंड लास्ट में ऑल एक्सपेंसिस दैट आर इनकर्ड फॉर कैरिंग आउट एनी बिजनेस। मतलब आपको कोई लाइसेंस खरीदना है, आपको कोई एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट लाइसेंस, इम्पोर्ट लाइसेंस, ये सारा लाइसेंस का खर्चा विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आफ्टर कंप्लीटिंग द पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वॉट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर जो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते थे। मतलब ये वो खर्चा है, ठीक है, दैट इज इनकर्ड टू रन द बिजनेस। ठीक है, डे टू डे रनिंग ऑफ बिजनेस में जो भी खर्चा होता है, ऑल दीज एक्सपेंसिस आर नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब इसका बेनिफिट विल बी फॉर वन ईयर, इसका बेनिफिट एक साल के लिए रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं मशीन यूज कर रहा हूँ, मशीन मेरा खराब हो गया। एग्जाम्पल, अभी मेरे सामने लैपटॉप है, ये लैपटॉप अचानक बंद पड़ गया, तो लैपटॉप बंद हो गया तो मैंने किसी को बुलाया, वो मेरे को लैपटॉप उसने रिपेयर करके दिया, तो रिपेयर करके दिया, तो दिस रिपेयरिंग एक्सपेंसेस आर नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं एसेट यूज कर रहा हूँ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो डेप्रिसिएट होगा, उसका वैल्यू कम कम होते जाएगा, तो डेप्रिसिएशन इज अगेन अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर अगर मेरे पास कार है,
तो कार का हम इंश्योरेंस निकालते हैं, तो ये जो इंश्योरेंस हमने निकाला है, इट इज एनुअल इंश्योरेंस या 3 ईयर 4 ईयर जैसे भी आप निकालते हो, तो ये जो इंश्योरेंस है ये एवरी ईयर आपको आते रहेगा, तो इसका बेनिफिट विल लास्ट फॉर 1 ईयर ओनली। तो दो इज एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट विल लास्ट फॉर 1 ईयर इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आप इनकर तो करते हो, बट दोज आर हैवी एक्सपेंसेस, वेरी हैवी एक्सपेंसेस। अब बोलोगे हैवी मतलब, सपोज मैंने बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट किया, मैंने एक सेलिब्रिटी को लिया एंड मैंने बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया जिसका बेनिफिट विल बी फॉर मोर देन 1 ईयर। आई रिपीट, मैंने कोई सेलिब्रिटी को पकड़ा, फॉर एग्जाम्पल महेंद्र सिंह धोनी मेरे फेवरेट है, तो मैंने बोला धोनी प्लीज मेरे लिए एक एडवर्टाइजमेंट कर दो, तो धोनी ने एडवर्टाइजमेंट किया, उसका मेरे को बहुत हैवी फीस भी देना पड़ा, बट एट द सेम टाइम ये जो मैंने एक्सपेंसिस किया, ठीक है, ये एक्सपेंसेस का जो बेनिफिट है, ये बेनिफिट मुझे नेक्स्ट 10 सालों तक मिलेगा या नेक्स्ट 4-5 ईयर तक मिलेगा। तो सच एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट इज फॉर मोर देन 1 ईयर आर नॉट नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दे आर नोन एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है लेकिन इनका बेनिफिट विल बी फॉर मोर देन 1 ईयर, लेट से फॉर 4 ईयर 5 ईयर जो भी। अब ये डेफर्ड रेवेन्यू में क्या क्या आएगा, देखो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, मैंने धोनी को बुलाया, धोनी ने एडवर्टाइजिंग किया एंड उसके वजह से मुझे 4-5 साल के लिए बहुत फायदा हुआ। नेक्स्ट एक्सटेंसिव मतलब ऐसा कुछ एकदम जोरदार काम किया मैंने जिसका बेनिफिट विल लास्ट फॉर नेक्स्ट 3-4 ईयर्स, नेक्स्ट 3-4 ईयर तक मेरे को रिपेयरिंग का खर्चा ही नहीं आएगा। तो ऐसा कोई मैं खर्चा कर रहा हूँ जिसका बेनिफिट, यहाँ पर देखो बेनिफिट इज फॉर मोर देन 1 ईयर, सच एक्सपेंडिचर आर नोन एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड इसका लास्ट एग्जाम्पल है लॉस। मैं बिजनेस कर रहा था, अचानक फ्लड आ गया, जैसे कि अभी आते रहता ना बीच में, तो उतर आया, ये आया, वो आया, ऐसा कुछ आ गया और मेरा बिजनेस को साथ में लेके निकल लिए। तो ऐसा कुछ अगर हो गया बिजनेस से साथ साथ, सब नुकसान हो गया मेरा, सच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर या लॉस विल बी ट्रीटेड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो वेरी सिंपल, वी हैव गॉन थ्रू ऑल द 3 पॉइंट, कैपिटल क्या है, रेवेन्यू क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू क्या है। तो इनकेस अगर आप नोटबुक लेके बैठे हो तो आई वुड एडवाइज यू ऑल कि आप लोग इसको लिख सकते हो, ठीक है, आप वीडियो को पॉज करो एंड राइट डाउन ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ताकि आपके साथ साथ आपके पास ये नोट्स भी जमा होते हैं कि चलो मेरे पास ये आंसर भी आ गए। आई होप आपने ये लिख दिया है, ठीक है, पॉज करने के बाद, इफ नहीं पॉज करो एंड लिखो। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द 3 पॉइंट्स, मैं क्या चाहूंगा कि एक बार आप उन सबको गो थ्रू करो एंड लेट अस सॉल्व सर्टन क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखो, आई हैव चॉटेड डाउन सर्टन क्वेश्चन, टोटल 23 क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि ऑल माई स्टूडेंट जो ये लेक्चर सुन रहे हो, ठीक है, आपको करना क्या है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर आर कैपिटल रेवेन्यू एंड डेफर्ड रेवेन्यू, क्लासिफाई करना है कि ये कैपिटल है, रेवेन्यू है कि डेफर्ड रेवेन्यू, दैट्स इट, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले ना आप इसको सॉल्व करो, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपने सही सोचा है इसके बारे में। तो देखो 9 क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, पॉज दिस वीडियो एंड ये 9 क्वेश्चन आप खुद से पहले सॉल्व करने का कोशिश करो एंड उसके बाद वी विल डिस्कस वेदर आप करेक्ट सोच रहे हो कि नहीं। लेट्स डिस्कस एंड लेट्स फाइंड आउट हाउ वेल यू थिंक। फर्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग द ऑफिस ऑफ जनरल मैनेजर, मतलब हमने जनरल मैनेजर के ऑफिस में एसी लगवा दिया, तो एसी लगवा दिया तो ये कौन सा पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, एक्वायरिंग फिक्स्ड असेट, टेंजिबल फिक्स्ड असेट, तो दिस इज माई कैपिटल एक्सपेंडिचर। पॉइंट नंबर 2, कॉस्ट ऑफ ओवरहॉलिंग, ओवरहॉलिंग मतलब खर्चा किया आपने, एक्सपेंसेस, एंड पेंटिंग ऑफ अ सेकेंड हैंड ट्रक न्यूली परचेज, मतलब आपने कोई सेकेंड हैंड ट्रक लिया है उसमें आपने खर्चा किया, सो दैट असेट कैन बी ब्रॉट इन टू वर्किंग कंडीशन। तो ऑल एक्सपेंसिस दैट आर इनकर्ड टू ब्रिंग दैट असेट इन टू वर्किंग कंडीशन इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो सेकेंड हैंड है, सेकेंड हैंड कार है, सेकेंड हैंड ट्रक है जो आपने खरीदा था एंड आपने उसमें खर्चा किया है, सो दैट वो असेट को हम यूज कर सके। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, कॉस्ट ऑफ एनुअल टैक्सेस पेड एंड एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। देखो एनुअल टैक्स, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब ये एवरी ईयर आप करोगे, इसका बेनिफिट विल लास्ट फॉर ओनली 1 ईयर। ये जो खर्चा आपने ऊपर वाले ट्रक पे किया है, तो दिस खर्चा उस बेनिफिट विल लास्ट फॉर ओनली 1 ईयर इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिकॉज देखो यहाँ पर द वर्ड इंपॉर्टेंट इज एनुअल, ठीक है, एवरी ईयर यू नीड टू पे इट। आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4, वेजेस पेड टू द वर्कर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी।
अगर मैं वेजेस ये ना पे करूं तो वर्कर लोग ये मशीन इंस्टॉल करेंगे नहीं, तो दिस मशीन विल नॉट बी ब्रॉट टू वर्किंग कंडीशन. तो ये एक्सपेंसेस दैट आर नेसेसरी टू ब्रिंग दैट असेट इनटू वर्किंग कंडीशन इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो ऑल वेजेस दैट आर पेड टू वर्कर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. पॉइंट नंबर 5, कॉस्ट ऑफ रीडेकोरेटिंग अ सिनेमा हॉल. आपने क्या क्या सिनेमा हॉल में चेंजेस किया, शायद आपने पेंटिंग किया होगा, थोड़ा डिजाइनिंग किया होगा, लेकिन क्या ये डिजाइनिंग करने के वजह से, क्या आपको लगता है इसके वजह से मेरा अर्निंग कैपेसिटी विल इंक्रीज? नो. पेंटिंग करने से अर्निंग कैपेसिटी थोड़ी बढ़ता है. अर्निंग कैपेसिटी तब बढ़ता है जब आप उसके अंदर सीट्स इंक्रीज करते हो. तो यहाँ पर मेरा अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ रहा है, तो दिस इज माय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इट इज नॉर्मल एक्सपेंडिचर जो हम करते हैं फॉर डे टू डे बिजनेस. नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ पुटिंग अप अ गैलरी इन अ थिएटर. अभी आपने कभी ये देखा है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट कुछ कुछ थिएटर में पहले होता था गैलरी होता था एंड नीचे सीट्स होते थे. अभी आपने एडिशनल गैलरी सेटअप किया. गैलरी सेटअप क्या मतलब, एडिशनल सीट्स भी आ गए वहां पर. तो द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द थिएटर हॉल हैज इंक्रीज्ड. हमने ऊपर एग्जांपल में भी लिया था जहां पर मेरे पास एक थिएटर था, वहां पर हमारे पास 30 सीट्स थे, उसके बाद वी हैव इंक्रीज्ड इट टू 40. तो ये जो हमने इंक्रीज किया, दिस इंक्रीज इज माई अर्निंग कैपेसिटी. तो सच काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. पॉइंट नंबर सेवन अगर आप देखोगे ना, तो उसके अंदर देर आर टू क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन यहां से यहां तक, ठीक है, ब्लू में. तो क्या बोल रहा है, देखो, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द गुडविल. नाउ व्हाट इज गुडविल? गुडविल इज एन इनटेंजिबल असेट. तो इफ यू आर एक्वायरिंग एन इनटेंजिबल असेट, सच एक्सपेंडिचर आर नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. रिमेनिंग पॉइंट में देखो, ये अलग पॉइंट है. द कॉस्ट ऑफ हेवी एडवर्टाइजमेंट. देखो जो वर्ड आ गया ना, हेवी. The cost of heavy advertisement for a new product and removal of works to a new and better place. The cost of heavy advertisement. आपने बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किया है, बहुत खर्चा किया है एडवर्टाइजमेंट के पीछे. ये हैवी एडवर्टाइजमेंट का हमने खर्चा किया है, ये एडवर्टाइजमेंट के जैसे कोई एसेट आया क्या? नहीं. तो कोई एसेट तो आया नहीं, बट इसका जो बेनिफिट है इट विल बी फॉर मोर देन वन ईयर. तो दिस एक्सपेंडिचर विल बी ट्रीटेड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. आई होप माई डियर स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ रहा है. नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 8. टेम्पररी रूम्स कंस्ट्रक्टेड फॉर स्टोरिंग रॉ मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. अभी आप देखोगे नया नया बिल्डिंग बनता है तो बाजू में लोग एक टेम्पररी रूम्स बनाते हैं जहां पर लोग रहते हैं, जहां पर लोग सब रॉ मटेरियल स्टोर करते हैं. ये जो टेम्पररी रूम है ये नेसेसरी है ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए, मतलब ये असेट बनाने के लिए ये खर्चा मुझे करना ही पड़ेगा, वरना ये असेट बनने में दिक्कत आ जाएगी. तो ये जो खर्चा मैं कर रहा हूं फॉर ब्रिंगिंग दिस असेट इनटू वर्किंग कंडीशन, सच एक्सपेंडिचर आर नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्योंकि अगर मैंने ये टेम्पररी रूम्स कंस्ट्रक्ट नहीं किए तो मेरा बिल्डिंग बनेगा ही नहीं. तो सच एक्सपेंडिचर विल बी नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. पॉइंट नंबर 9, एक्सपेंसिस इनकर्ड इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस. देखो ऊपर हमने बार बार रिपीट किया, तो अभी शायद तुमको तुरंत पता चल गया रहेगा, सर लाइसेंस ऑब्टेन करने का खर्चा इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट 9 क्वेश्चन. आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट जो ये वीडियो जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर आप वैसे फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा कि अच्छा ये ऐसे सॉल्व करना है. वेरी सिंपल. मैं जानना चाहूंगा कि कितने स्टूडेंट्स को 1 to 9 क्वेश्चन पूरा करेक्ट आया, ठीक है? अगर आपका आंसर राइट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि सर 1 to 9 हमने एकदम परफेक्टली सॉल्व किया था. अभी बढ़ते हैं आगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10, चलो हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं. तो आप लोग इसको पॉज कर सकते हो बीच बीच में, आपके हाथ में, आप आराम से पॉज वगैरह कर सकते हो एंड यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन एज वेल. तो चलो क्वेश्चन 10, पेड फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक टू अ न्यू साइट. पेड फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक टू अ न्यू साइट, मतलब यहाँ पर मैंने क्या किया, कुछ स्टॉक्स थे मेरे पास, उसको मैं नए साइट में लेके गया. तो नए साइट में लेके गया तो इसकी वजह से मेरे पास कोई नया कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई नया असेट नहीं आ रहा है. तो सच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. क्वेश्चन नंबर 11, रिंग्स एंड पिस्टन्स ऑफ इंजिन वर चेंज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 7,000 टू गेट फ्यूल एफिशिएंसी. देखो वर्ड देखो, एफिशिएंसी, इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द असेट. So any cost that I incur which increases the efficiency of asset will be treated as capital expenditure. इसीलिए मैं शुरुआत में ना बार बार रिपीट कर रहा था कि वो जो टर्म्स है अगर आपको वो आ गए
तो आपको समझ में आ जाएगा ओके ये है मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 12 पे। पॉइंट नंबर 12 क्या बोल रहा है, 42,000 स्पेंट एज लॉयर्स फीस टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट द फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग टू प्लेंटिफ एंड द सूट वॉज नॉट सक्सेसफुल। केस किया गया है, ठीक है, केस किया है हाँ, हमने लॉयर को उसका लॉयर फीस दिया हुआ है, तो लॉयर को फीस दिया एक केस लड़ने के लिए। तो देखो ये जो केस वेस का चीज है जो हम यहाँ पर लड़ रहे हैं लॉयर को फीस देके, इसमें क्या मेरे पास कोई असेट आ रहा है? नहीं, मेरे पास कोई असेट नहीं आ रहा है। तो असेट नहीं आ रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो है ही नहीं, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज माई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ व्हाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? बिकॉज सर डे टू डे बिजनेस जो हम करते हैं उसमें होने वाला ये खर्चा है, ये कुछ अलग नहीं है। इसकी वजह से कोई मेरे पास नया असेट नहीं आ रहा है, ना ही असेट का कोई एफिशिएंसी इंक्रीज हो रहा है, ना ही मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो सच एक्सपेंडिचर जो कैपिटल नहीं है वो तो रेवेन्यू ही होगा। अभी रेवेन्यू में भी डेफर्ड रेवेन्यू है, ये डेफर्ड रेवेन्यू नहीं है बिकॉज दीज आर नॉट हैवी एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट इज फॉर मोर देन वन ईयर। तो सिंस द बेनिफिट इज फॉर लेस देन वन ईयर सच एक्सपेंडिचर विल बी कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, नहीं इट विल बी कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। I hope this is absolutely clear. Next आते हैं point number 13. Point number 13 क्या बोल रहा है? Rupees 10,000 were spent on advertising the introduction of a new product in the market. The benefit of it, देखो इधर बोला है वो लोग, वो लोग बता रहे हैं आपको इसका जो benefit है it will be for more than one year. अभी खाली advertising बोला होता revenue expenditure, लेकिन यहाँ पर वो लोग बोल रहे हैं कि benefit is for more than one year, then it will be called as deferred revenue expenditure because the expenditure is for more than one year. देखो अब ये जो एडवर्टाइजमेंट किया ये है ना, तुम लोग को 11, 12 में फाइनल अकाउंट्स नाम के चैप्टर में ऐसा एडजस्टमेंट आता था। तो इसमें देखो ये जो 10,000 है ये 4 साल के लिए मिलेगा मुझे, मतलब एवरी ईयर का मेरा खर्चा कितना रहेगा, एवरी ईयर का मेरा एक्सपेंस विल बी रुपीज 2,500, मतलब मेरा करेंट ईयर का खर्चा 2,500 है एंड बाकी जो 7,500 है ये है मेरा फ्यूचर ईयर का खर्चा, मतलब इसको हम लिखते थे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। आगे पॉइंट नंबर 14, अ फैक्ट्री शेड वॉज कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 1 lakh, अ सम ऑफ रुपीज 5,000 हैड बीन इनकर्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट फॉर स्टोरिंग बिल्डिंग मटेरियल। जस्ट ऊपर हमने पढ़ा था कि बिल्डिंग मटेरियल स्टोर करने के लिए जो भी खर्चा होगा इट विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड फैक्ट्री शेड वॉज कंस्ट्रक्टेड। तो वॉट इज द टोटल एक्सपेंडिचर? टोटल एक्सपेंडिचर इज 1,05,000। तो फैक्ट्री शेड का टोटल कॉस्ट विल बी 1,05,000, इसमें ये 5,000 हम एड करेंगे एंड दिस एक्सपेंडिचर विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 15, स्पेंड टूवर्ड्स एडिशन टू द मशीनरी इन ऑर्डर टू डबल द प्रोडक्शन। देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट, डबल द प्रोडक्शन, मेरा प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग, तो एनी एक्सपेंडिचर ऑन अ सेट दैट इंक्रीजेज माई प्रोडक्शन या विच इंक्रीजेज द कैपेसिटी इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। पॉइंट 16, इनकर्ड फॉर रिपेयर टू द मशीनरी नेसेसिटेड बाय द नेग्लेजेंस ऑफ एन एम्प्लॉय। मतलब कोई एम्प्लॉय था जिसका ध्यान नहीं था काम पे, वो भाई साहब ने कुछ मस्ती किया जिसके वजह से मेरे को 2,400 रुपीज का खर्चा आ गया। अभी ये खर्चे से क्या मेरे पास कोई नया एसेट आया? नहीं, कोई नया एसेट तो मेरे पास आया नहीं। तो नया एसेट नहीं आया तो सच काइंड ऑफ खर्चा इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब कोई मस्ती में सपोज उसने कोई एसेट खराब कर दिया मेरा, तो ऐसा टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पॉइंट नंबर 17, एक्सपेंडेड मतलब खर्चा किया आपने 1600 टूवर्ड रिप्लेसमेंट ऑफ बोन आउट पार्ट ऑफ मशीनरी। मतलब आपने क्या किया, कुछ खर्चे किए जिसकी वजह से आपका मशीन का जो जो खराब वाला पार्ट है उसको आपने नया कर दिया, उसको वर्किंग कंडीशन में मतलब चलते रहने के लिए आपने उसमें खर्चा किया, तो सच एक्सपेंडिचर इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बहुत लोगों को लगेगा कि सर ये तो कैपिटल होना चाहिए ना, अरे नहीं, मेरा जो असेट चल रहा था वो वही लेवल में चल रहा है, उसमें कोई इंक्रीज नहीं हुआ। मतलब उसका प्रोडक्शन, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर मेरे पास कोई फोन है या मेरे पास कोई मशीन है उसको मैंने कुछ अपग्रेड नहीं किया, उसको नॉर्मल कंडीशन में मेंटेन करने के लिए मैंने खर्चा किया है। तो मेंटेन करने के लिए अगर आप कोई खर्चा करते हो तो उसको बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर आपने ऐसा कोई खर्चा किया जिसमें उसका जो नॉर्मल कैपेसिटी है उससे वो ज्यादा अच्छा काम करने लगा, देन सच एक्सपेंडिचर इज नोन एज कैपिटल। नहीं तो वो वही इसमें मेंटेन करने के लिए अगर आप कोई खर्चा करते हो देन दैट इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
है, चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 18, पेड फॉर पेंटिंग द फैक्ट्री प्रीमाइसिस, आपने फैक्ट्री प्रीमाइसिस पेंट किया, इट इज नॉर्मल एक्सपेंडिचर, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट इन अरियर्स ऑफ सेल्स टैक्स, मतलब आपने सेल्स टैक्स टाइम पे भरा नहीं, तो सेल्स टैक्स भरा नहीं आपने तो उसके वजह से क्या हो गया, आपको इंटरेस्ट भरना पड़ा, इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉर्मल खर्चा है जो डे टू डे बिजनेस में होता है। एक्सपेंडिचर ऑन टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल नो हाउ इज एन इनटेंजिबल एसेट, सो इफ यू डू एनी एक्सपेंडिचर ऑन इनटेंजिबल एसेट, एक्वायरिंग ऑफ इनटेंजिबल एसेट, देन सच एक्सपेंडिचर इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 21, सम ऑफ रुपीज 300 वॉज पेड एज अ कॉम्पेंसेशन टू टू एम्प्लॉइज हु वर रिट्रेंच्ड। एक्सपेंसेस है, ठीक है, एक है रिट्रेंच, रिट्रेंच मतलब हमने कुछ एम्प्लॉइज को निकाल दिया इसलिए ताकि हमारा थोड़ा कॉस्ट बच सके, तो सच एक्सपेंसेस आर नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसके वजह से मेरे पास कोई नया एसेट नहीं आ रहा है, कुछ एम्प्लॉइज को हमने जॉब से निकाल दिया। 22nd, कॉस्ट ऑफ मेकिंग मोर एग्जिट्स इन द सिनेमा हॉल अंडर द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने बोला नया सिनेमा हॉल में और एग्जिट्स बनाओ, तो हमने एग्जिट बनाया, एग्जिट बनाने की वजह से मेरा कैपेसिटी नहीं बढ़ रहा है, तो सच एक्सपेंडिचर आर नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, लास्ट पॉइंट में ना देर आर टू पार्ट्स, ये फर्स्ट पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, 10,000 कस्टम ड्यूटी पेड ऑन इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ फैक्ट्री प्रोडक्शन ड्यूरिंग द करेंट ईयर, हमने कोई मशीन खरीदा जिसके वजह से हमारे फैक्ट्री में द प्रोडक्शन विल इंक्रीज एंड हमने ड्यूटी पे किया है, तो ये जो हमने कस्टम ड्यूटी पे किया फॉर इम्पोर्ट ऑफ दिस मशीनरी विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज जब तक आप कस्टम ड्यूटी नहीं पे करोगे आपको ये मशीनरी वो लोग निकालने ही नहीं देंगे, इम्पोर्ट करने ही नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट पार्ट है ये सेकेंड हाफ, तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ₹25,000 पेड ऑन इम्पोर्ट ड्यूटी ऑफ रॉ मटेरियल। देखो यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है माई डियर स्टूडेंट, पहला है यहाँ पर मशीनरी विच इज अ फिक्स्ड असेट, रॉ मटेरियल इट इज नॉट माई फिक्स्ड असेट, तो ये जो खर्चा है इसके वजह से मेरे पास कोई फिक्स्ड असेट नहीं आ रहा है, तो दिस एक्सपेंसेस फॉर दिस रॉ मटेरियल विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप माई डियर स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो भी किया इट इज एब्सोल्युटली क्लियर, अगर आप ये वीडियो को बार बार देखोगे, ठीक है, इसको रिपीट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आई थिंक यू आर गुड टू गो, आपका जो भी एग्जाम रहेगा फाउंडेशन जो भी आप लेवल दे रहे हो, ठीक है, सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, इवन फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है इट विल डेफिनेटली बी वेरी यूजफुल। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपको समझ में आया होगा कि क्या है इसके अंदर। इनकेस आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच माई डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।